गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम गोल्डन रूल थर्ड देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो कि होता है प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिनमें प्रश्न किया जाता है। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने गोल्डन रूल फर्स्ट और सेकंड देखा था, जो कि साधारण वाक्यों के लिए था गोल्डन रूल फर्स्ट, और गोल्डन रूल सेकंड नकारात्मक वाक्यों के लिए था, नेगेटिव सेंटेंसेस के। उसका अपन ने फॉर्मेट देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, उसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने राइट करे थे, और मेरे ख्याल से आपको वो क्लियर हो गया होगा, और आपने कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके भी देखे होंगे। तो एक आसान तरीके से आपने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए होंगे। अब देखते हैं गोल्डन रूल थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। दो प्रकार के अपन पढ़ते आ रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो और एक मध्य में हो। प्रारंभ में होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, और मध्य में होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। प्रारंभ में होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखें अपन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। शैल का यूज, शैल हैव का यूज अपन आई वी के साथ करेंगे, बाकी विल हैव का यूज सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। ऐसे ही मध्य में होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट कर देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको अपन कुछ एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक एग्जाम्पल लें, क्या वह विद्यालय जा चुका होगा। देखिए पहचानेंगे, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है। तो प्रारंभ में होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, आई वी के साथ शैल, और बाकी सभी के साथ विल। तो अपन विल राइट कर देंगे, क्योंकि वह सब्जेक्ट क्या है, वह लड़के के लिए है, तो विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, हैव, क्रिया हो जाएगी जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन। ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद्यालय जाता है, तो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या वह विद्यालय जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इस टाइप से आप और भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मध्य में होता है जब प्रश्न सूचक शब्द मध्य में है, वह क्या विद्यालय जा चुका होगा, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड क्या को क्या कहते हैं, वॉट, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, वॉट, क्रिया क्या, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है तो विल आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट ही, क्योंकि लड़के के लिए, लड़की के लिए होता तो शी आ जाता, लेकिन लड़के के लिए तो ही। फिर हैव क्रिया, और ये जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गोन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह क्या विद्यालय जा चुका होगा, वॉट विल ही हैव गॉन टू स्कूल। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश, प्रश्नवाचक वाक्यों को टेंस के। नेक्स्ट गोल्डन रूल देखते हैं, गोल्डन रूल फोर्थ, जो कि होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिनमें प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। वही दो प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में होता है प्रश्न सूचक शब्द, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, नॉट का यूज हैव से पहले करेंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर मध्य में होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इन फॉर्मेट का यूज करके अपन कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल है, पहला वाक्य है, क्या वह खाना नहीं खा चुकी होगी। देखिए पहचान, देखिए लास्ट में चुका होगी, चुकी होगी भी है, और प्रश्न सूचक शब्द है, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है, साथ में नहीं का प्रयोग किया गया, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, और प्रश्न सूचक शब्द प्रारंभ में है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, शैल क्योंकि आई वी के साथ होती है, बाकी के साथ विल, तो विल आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट शी, क्योंकि वह लड़की के लिए होगा, आया है, चुकी होगी, वह खाना खा नहीं खा चुकी होगी, तो शी आ गया। फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या, और ये खाने को खाना, फूड को खाना, खाने को क्या कहते हैं, फूड, और उस प्रोसेस को ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो क्या हो जाएगा, ईटन।
ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, विल शी नॉट हैव इटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुकी होगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वह क्या खाना नहीं खा चुकी होगी, सेम ही है, बस प्रश्न सूचक शब्द इसमें प्रारंभ में था, इसमें मध्य में है, क्या कब क्यों कैसे, मध्य में होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या को क्या कहते हैं, वॉट, फिर विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट सी, फिर नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन, फिर ऑब्जेक्ट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह क्या खाना नहीं खा चुकी होगी, व्हाट विल शी नॉट हैव ईटन फूड। ये टेंस कंप्लीट हो गया अपना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट टेंस अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें समय के साथ से का यूज होगा। इस टेंस के और भी आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके घर पे देख सकते हैं, एक आसान तरीके से आप क्या कर पाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, और कोशिश करें आप अच्छे से इन फॉर्मेट का यूज करके आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके सभी सेंटेंस राइट होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।